आगे हो चुका है और अभी हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वागादोर बीच पे। देखो सूरज और नारायण कैसे दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं वागादोर बीच और ये बीच है मापसा से थोड़ा सा नजदीक है। सो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। सो फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं वागादोर बीच पे और अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की है। हमने नीचे भी गाड़ी जाती है लेकिन अगर छोटी गाड़ी है तो आप लेके जा सकते हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर। बड़ी है तो नीचे जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अभी ऊपर गाड़ी लगाई है और हम लोग जा रहे हैं चल के। चलो और ये है सबसे हसीन मौका वागादोर बीच के ऊपर, हसीन हसीनाओं को देखने का मौका आज छोड़ना मत गाइस। अगर ये मौका छोड़ा तो गयो। ये है हसीना नंबर एक और ये हसीना नंबर दो। बहुत अच्छा सफर लग रहा है लेकिन है ना, बस कैट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैमिली कारवा। हमारे पेरिस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बीच पे आने के बाद सुबह तो हमारा सूरज देवता का दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए हमने सोचा चलो उनको जाते जाते बाय बाय भी करते जाए। इसलिए हम लोग अभी आए हैं वागादोर बीच पे और वहाँ पे है सूरज देवता, उनको करना है अभी बाय। तो चलो अभी हम लोग उनको देखते हैं और उनको मिलते हैं। यहाँ सड़कों में से रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग जाएंगे बैठने के लिए, जगह ढूंढने। ये खड़क जो आपको दिख रहे हैं ना, ये फ्रेंड्स अभी पानी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वो सारा पानी बाहर आएगा। वो कहते हैं ना धरती ओहोटी, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो अभी देखो वो पानी उधर है, 10-15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी वही पानी ये खड़क पूरा खुद के अंदर छुपा लेगा। सो अभी मैं पहले तो खाना खाऊंगी, मुझे बहुत सारी भूख लगी है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिन भर खाना नहीं खिलाया है। तो अभी मैं पार्सल खाती हूँ, वेज बिरयानी लाई है मैंने ऑफकोर्स, और कुछ नहीं खा सकती मैं। सो वेज बिरयानी खाऊंगी, थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाऊंगी और फिर आपको ये वागादोर बीच की टूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये है मेरा पार्सल जो कि मेरे पेट की आग शांत करेगा और मैं अभी खाऊंगी, पेट की आग बुझाऊंगी और फिर आपको वागादोर बीच दिखाऊंगी। अभी हमारा खाना वगैरह खा के हो चुका है और अभी हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वागादोर बीच पे। और यहाँ पे देखो अभी सनसेट हो रहा है, देखो सूरज और नारायण कैसे दिख रहे हैं। सूर्य नारायण का दर्शन और इसके साथ ही समंदर में समा जाना अजीब ही होता है। तो अभी मैं जाती हूँ। Thank you.
पे कितना एंजॉय कर रही हूँ। ये बीच कुछ अलग ही है यहाँ का, मतलब पानी जो है ना ऐसे एकदम ब्लीच बीच प्लेन है और उसकी वजह से ऐसा नीचे ऊपर नहीं है और उसकी वजह से पानी में जाने के लिए बहुत मस्त लगता है। देखो पानी कैसे आता है और पैरों को छूता है। परी हाय, और देखो ये नन्ही परी कितना मज़ा ले रही है समंदर में। एक साल की उम्र में मेरी बच्ची समंदर में मज़ा ही मज़ा ले रही है। बीच पे एंजॉय मस्ती फुल टू धमाल सब कुछ करके हो चुका है। अभी अंधेरा होने को आया है फिर भी जाने का मन नहीं है। देखो फ्रेंड्स अभी हमारा कैमरामैन जा रहा है समंदर में समाने के लिए, नॉट समाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। समुद्र समाधि दीदी क्या मतलब? नहीं तुझे समाधि दूंगी तो मेरा चैनल कैसे चलेगा? तू तो मेरा कैमरामैन है, मेरे चैनल की जान है, तो गो एंड एंजॉय योर लाइफ। फ्रेंड्स ये है मेरे हस्बैंड, मेरे बगैर पानी में एंजॉय कर रहे थे और किसी किसी को घूर रहे थे, ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। किसको घूर रहे? मुझे पता नहीं, सबको घूर रहे थे। अरे वो घूरना नहीं, ताकना ताकना ऐसे आंखों में आंखें डाल के। खाना हम लोग बाहर ही खाने वाले हैं क्योंकि मेरे प्यारे से हस्बैंड खिलाने वाले हैं मुझे, है ना? देखो कितना शर्माते हैं, मैं इतना प्यार करती हूँ तो उनको। कल मिलेंगे वापस इसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए फैमिली कारवा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।